एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 9 साल की बच्ची से पड़ोसी ने की अश्लील हरकत, पनवेल फार्म हाउस पर सलमान खान को सांप ने काटा, पेपर पर खाद्य पदार्थों की बिक्री बैन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान जयपुर में 9 साल की एक बच्ची से अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। यह वारदात बच्ची को घर पर अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने की है। बच्ची के रोने पर आस पड़ोस के लोगों को पता चला तो वह भाग निकला। 2 दिन पहले हुई इस घटना के संबंध में पीड़िता बच्ची की मां ने करनी विहार थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म व छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी वही गली मोहल्ले में सब्जी बेचने का काम करता है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से टोंक जिले की रहने वाली महिला अपने पति व 9 साल की बेटी के साथ जयपुर में रहती है। वह एक निजी अस्पताल में काम करती है। रिपोर्ट में बताया कि 24 दिसंबर को वह काम पर चली गई, तब मासूम बेटी घर पर अकेली थी। वह शाम करीब 6:30 बजे हॉस्पिटल से ड्यूटी पूरी कर घर लौटी, तब पड़ोस के कमरे में रहने वाली युवती से बातचीत हुई। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला शंकर उसकी बच्ची को अकेला पाकर बहला कर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पड़ोस के लोगों ने देखा तो शंकर भाग निकला। यह सुनकर मां घबरा गई। अगली खबर, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बीती रात सांप ने काट लिया था। वह उस समय अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर थे। ये घटना रात के 3:30 बजे हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में ले गए थे, जहां उनका इलाज हुआ। इलाज करवा कर सलमान खान अपने घर के लिए रवाना हो गए। सलमान खान शनिवार की शाम को अपने पनवेल फार्म हाउस पर थे। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान को बिना जहर वाले सांप ने काटा है, ऐसे में सलमान पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ है। अगली खबर, अमूमन बाजारों में या फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले समाचार पत्रों में रखकर ग्राहकों को खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हैं, लेकिन यह नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इसीलिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत न्यूज़पेपर पर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर बैन लगाया गया है। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में यह नियम लागू किया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना है। इसीलिए यदि अब से कोई विक्रेता समाचार पत्र में भोजन अथवा खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, जिस पर अब भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने भारत सरकार द्वारा संबंधित आदेश जारी किया है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों को यही विराम देते हैं। बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।